जी व्यूवर्स नमस्कार, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से अंग्रेज़ी सिखाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अंग्रेज़ी आपको मैं नहीं सिखाऊंगी, उसके लिए हम एक अंग्रेज़ी अध्यापक के पास चलते हैं जिनका नाम श्री पारस बंसल है। तो आइए चलते हैं अंग्रेज़ी अध्यापक के पास। नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो अनुराग बंसल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा, इस काबिल समझा कि मैं आपके व्यूअर्स को इंग्लिश सिखा सकूं। डियर व्यूअर्स, इंग्लिश आज के ज़माने में बेसिक नीड बन चुकी है। सभी क्षेत्रों में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है और सभी वर्ग के, सभी उम्र वर्ग के, चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, सभी को इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है और सभी की इच्छा होती है कि हम इंग्लिश बोल पाएँ, इंग्लिश जान पाएँ। तो आज हम आपको आसान से आसान व दिलचस्प तरीके से इंग्लिश सिखाएंगे। और सबसे पहले हम बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर से शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इज एम और आर की, और इसकी डिवाइडेशन करते हैं कि इज़ का प्रयोग ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ किया जाता है। ही यानी कि जब हम वह लड़का या आदमी हो तो ही का प्रयोग, लड़की और औरत हो तो शी का प्रयोग, यह तो इट का प्रयोग, नेम जैसे राम, मोहन, करण, जो भी नेम हो, सीता, गीता, तो नेम का प्रयोग। सिंगुलर एक वचन, जैसे कि कुत्ता सिंगुलर है और कुत्ते प्लूरल है। अब बात आती है कि एम सिर्फ आई के साथ ही यूज़ किया जाएगा। आर, यू, वी, दे, प्लूरल। यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे जब बहुत वह हो तब दे का प्रयोग, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, प्लूरल जैसे कि कुत्ता सिंगुलर और कुत्ते प्लूरल, प्लूरल के साथ। ऐसे हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस, जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। हाँ जी, अब वह की इंग्लिश हम पहले बता चुके हैं, क्या करेंगे, ही। अगर यहाँ लड़की होता तो हम क्या प्रयोग करते, शी, ही। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से क्या आएगा, जो हमने ऊपर डिवाइड किया है कि इज लगाना है, ही इज अ लड़का की इंग्लिश बॉय, ही इज ए बॉय, ठीक है। अब हम एक एम वाला सेंटेंस और बनाते हैं, जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अब हम एक सेंटेंस यू, वी, दे प्लूरल वाला ये बनाते हैं कि तुम एक खिलाड़ी हो, तुम एक खिलाड़ी, खिलाड़ी हो। हाँ, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू के साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, यू आर अ खिलाड़ी की, प्लेयर, यू आर ए प्लेयर। ऐसे हम इज एम आर के सेंटेंस बना सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं वाज वर की। अब हम बात करते हैं वाज और वर की। जब हम बात करते हैं थे, था, तो हम वाज वर का प्रयोग करेंगे। जैसे वाज, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, और आई के साथ भी वाज लगाना है। और वर, यू, वी, दे, प्लूरल। अब हमने यू, वी, ही, शी, इनके मीनिंग आपको पहले ही बता दिए थे। और ये डिवाइडेशन की है कि वाज कहाँ लगना है और वर कहाँ लगना है। हम बात कर रहे थे था, थे, जब हम बात करते हैं कि वह एक डॉक्टर था, हम सेंटेंस बनाते हैं कि वह एक डॉक्टर था। वह, ही, अब था आ गया तो हम वाज वर्ब में से एक चीज़ लगा लें, ही वाज ए डॉक्टर, ही वाज ए डॉक्टर।
अब हम बात करते हैं कि तुम एक विद्यार्थी थी, तुम एक विद्यार्थी थी, तुम एक विद्यार्थी थी। तुम यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का। यू वर अ विद्यार्थी की स्टूडेंट, यू वर ए स्टूडेंट। ये थी वाज वर। अब हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है तो हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं हैज़ और हैव की। हैज़, ही शी इट नेम सिंगुलर, इनके साथ हैज लगाना है। आई वी यू दे प्लूरल, इनके साथ हैव लगाना है। जब हम बात करते हैं कि मेरे पास एक पुस्तक है, जैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं, मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास एक पुस्तक है। आई हैव, क्योंकि आई के साथ हैव लगाना था, आई हैव ए पुस्तक बुक। अब हम बात करते हैं कि करण के पास एक घर है, घर है। करण, क्योंकि नेम है, नेम के साथ क्या आएगा, हैज। करण हैज ए हाउस, करण हैज ए हाउस। अब हम बात करते हैं हेड की। अब हम बात करते हैं हेड की, कि जब तो हम बात करते थे कि हमारे पास ये चीज़ है तो हम हैज हैव का प्रयोग करते थे। जब हम कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ थी तो हम हैड का प्रयोग करेंगे, और सभी के साथ ही हैड आ जाएगा। ही शी आई वो यू सब के साथ हैड आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि उसके पास गुड़िया थी, उसके पास गुड़िया थी, अब शी हैड अ डॉल, शी हैड अ डॉल। ये था हैड। आज ये था इज एम आर और वाज वर, हैज हैव और हैड का प्रयोग। इस वीडियो में हमने आपको इसकी वर्तों यूज़ करना सिखाया, और अब जैसे कि हमने आपकी क्लास ली, आपको सिखाया, तो सीखने के लिए खुद प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यक है। इसलिए हम आपको एज ए होमवर्क 4 सेंटेंस दे रहे हैं। ये 4 सेंटेंस हैं। एक डॉक्टर है, तुम खिलाड़ी थे, तुम्हारे पास एक गाय है, करण के पास एक घर था, डॉक्टर की डॉक्टर, गाय की काओ, खिलाड़ी की प्लेयर, घर की हाउस। ये 4 सेंटेंस आपने तैयार करने हैं, खुद बनाने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लेके आएंगे, और उस समय ये 4 सेंटेंस के सही आंसर भी बताएंगे, और आपने उनके साथ अपने आंसर्स को मैच कर लेना है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।